हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्माकोलॉजी के, जनरल फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 6, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में। आखिरकार बॉडी में ड्रग एब्जॉर्ब कैसे होती है, कितने टाइप से हो सकती है, बेसिक डेफिनेशन क्या है, और कौन कौन से फैक्टर इस एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, किसकी वजह से प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है ये? ओके, तो कह रहा है डेफिनेशन में, एब्जॉर्प्शन इज द ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां से उसको दिया गया। सपोज आईवी दिया गया है तो सीधा नस में जा रहा है, हमने खाया है तो पेट में जा रहा है। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कहां से दिया गया? टू ब्लड स्ट्रीम। अल्टीमेटली दवा को जाना कहां है? खून में पहुंचना है, है ना, ब्लड स्ट्रीम कह लो या सिस्टमिक सर्कुलेशन कह लो। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल होगी, क्या है एब्जॉर्प्शन? है क्या? ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां से दवा को दिया गया है, पेट के थ्रू, है ना, या फिर सिरप, वही पेट में जाएगा। ज्यादातर दवाई हम खाते हैं, ओरली खाते हैं, ठीक है, और आई भी हो सकता है, आई एम हो सकता है, जो मसल सबक्यूटेनियस हो सकता है। अल्टीमेटली सबको जाना कहां है? ब्लड में जाना है। तो यही क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन। दवा को जहां से दिया गया है और वो फाइनली खून में पहुंच जाए, तो खून में जैसे पहुंचेगी तो वही एब्जॉर्प्शन कहलाता है हमारा। क्लियर है? अब खून में जाने के लिए क्या होता है, एक्सेप्ट व्हेन गिवन आईवी, अगर आईवी को छोड़ दिया जाए, आईवी मतलब इंट्रावीनस, वो तो सीधा नस में दिया जा रहा है, सीधा खून में पहुंच गई दवा, वहां पर कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। द ड्रग हैज टू क्रॉस, अगर आईवी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी डोजेस फॉर्म में और हर किसी जो जिस टाइप से मर्जी दवा ले लो, दवा को हैज टू क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, दवा को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। भाई ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जो नसें होती हैं हमारी, ब्लड वेसल्स जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, तो अगर दवा यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ जाएगी, तो यहाँ पर कौन मौजूद है? सेल्स मौजूद हैं। कौन मौजूद हैं? सेल्स। सेल्स को क्रॉस करके जाएगी, क्रॉस करके जाने का मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, और सेल मेम्ब्रेन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना। Therefore, cell membrane play a important role in drug absorption. तो cell membrane का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा cell membrane को समझेंगे, समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे terms इससे related आगे आने वाले हैं। ठीक है, अभी diagram देख करके कुछ लोग खुश होंगे, अरे ये diagram तो पड़ा हुआ है। Yes, ये diagram तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, cell membrane का है, phospholipid bilayer का, जिसको सिंगर निकोलसन ने दिया था। अब वो सब बातें नहीं पड़ेगी, जनरल फटाफट इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमको बहुत अच्छे से पता है, जनरली समझे तो इसकी दो लेयर होती है, ठीक है, जिसको हम लोग बाइलेयर कहते हैं, एक लेयर एरी जो ऊपर है और एक लेयर एरी जो नीचे है। बात समझ में आई? एक लेयर एरी जो ऊपर है, एक लेयर एरी। अब ये जो लेयर होती है किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। फॉस्फोलिपिड के दो हिस्से होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट यानी कि वाटर लविंग पार्ट, और एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है यानी कि वाटर रिपलिंग, पानी से दूर भागती है। अब क्योंकि पानी इसको पसंद नहीं है, इसीलिए मजबूरी में इस तरीके से पैकिंग होती है, पानी को लविंग करने वाला ऊपर रहे और पानी से नफरत करने वाला अंदर आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से दो लेयर बन जाती है। अब लेयर बनने के बाद उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बहुत बड़ा रोल होता है, ये तो देख रहे हो अंदर, ये सब प्रोटीन्स हैं। ये सब क्या है? प्रोटीन्स हैं ये सब, है ना। अब प्रोटीन भी अलग अलग टाइप की हैं। अगर प्रोटीन पूरी आर पार हो रही है तो उसे इंटीग्रल प्रोटीन बोल देते हैं, ठीक है। कुछ प्रोटीन अपने अंदर चैनल रखे हुए हैं चीजों को आर पार ले जाने के लिए, है ना। ये देखो, आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन यानी सेल के बाहर, और ये सेल के अंदर का हिस्सा हो गया, है ना, पूरा ऐसा गोल सेल ले ले तो एक छोटा टुकड़ा काटा हुआ है। प्रोटीन चैनल, जिसे हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहते हैं, बहुत बड़ा रोल होने वाला है इसका, ये बहुत ज्यादा डिस्कस होने वाला है। क्या है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इस फॉस्फोलिपिड के अंदर जगह जगह पर क्या चीज लगी रहती है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल धंसा रहता है इसके अंदर जगह जगह पे, तो कोलेस्ट्रॉल इसी कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए जरूरी है, लेकिन तादाद से ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है, ठीक है ना। फिर वो ब्लड वेसल में जमना शुरू हो जाता है। पेरिफेरल प्रोटीन, अगर प्रोटीन कहां पर है? केवल एक तरफ है, पूरे में आर पार नहीं है, तो उसे पेरिफेरल कहते हैं। पेरिफेरल का मतलब हम लोग समझ चुके हैं बहुत अच्छे से, कई बार डिस्कस किया इसको हमने। पेरिफेरल मतलब जो बाहरी होता है, यानी कि एक तरफ होगा। हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हमको। ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोब टाइप का रहेगा। ग्लाइकोप्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जिसमें ये क्या चीज है? शुगर कार्बोहाइड्रेट चेन। जिस प्रोटीन में ये चेन आके जुड़ जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन बोल देते हैं। जिस लिपिड में
ये कार्बोहाइड्रेट चेन आगे जुड़ जाएगी, उसे हम ग्लाइकोलिपिड बोल देंगे। तो मोटा से बात यहाँ पे जो समझनी है हमको, वो दो चीजें समझनी है कि ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, क्योंकि दवाओं को ऐसे आर पार जाना होगा, और दूसरा ये चैनल, जितना भी चैनल है वो सब किसका बना हुआ है, प्रोटीन 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 दिमाग में डाल लो, ठीक है, जो पोर कहेंगे, चैनल कहेंगे, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कहेंगे, कुछ भी कह देंगे इसको, ठीक है। तो ये ही क्या है, यहां पे सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करते हैं, प्रोटीन करते हैं दवाओ को अंदर बाहर ले जाने के लिए। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है, चले थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं फटाफट की देखे और इसमें क्या क्या बातें हैं। तो ये वाला सेल मेम्ब्रेन का पार्ट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, किसके लिए है, समझने के लिए, ताकि हम लोग आगे चीजों को और अच्छे से समझ पाए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है, दिस इज बाइलेयर, ठीक है। अभी बाइलेयर जब ये दिमाग ये सारी बातें दिमाग में रहेंगी, जब आगे हम बात करेंगे तो फटाफट सारी बातें एब्जॉर्ब होती चली जाएंगी। ये बाइलेयर है, दो लेयर की बनी हुई होती है, लगभग 100 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस होती है, ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, फॉस्फोलिपिड। अब यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है कि बीच में क्या है, लिपिड पार्ट होता है, तो यानी कि दवाओं को इस लिपिड पार्ट से होते हुए गुजरना पड़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं फैट का ही रूप है। द पोलर ग्रुप ऑफ दीस आर ओरिएंटेड एट द टू सर्फेस, जो पोलर ग्रुप होता है ये देखो, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड है। इसको पोलर क्यों कहा गया, क्योंकि एक तरफ वाटर लविंग है और एक तरफ क्या है, वाटर रिपलिंग वाला पार्ट है इसका। ओरिएंटेड एट द टू सर्फेस एंड द नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट को, जो वाटर वाला पार्ट है, इसको हमने क्या बोला है, पोलर बोला है, और इस वाले पार्ट को क्या बोल दिया है, नॉन पोलर बोला है, ठीक है ना। तो पोलर वाला पार्ट ऊपर होता है, नॉन वाला पोलर वाला पार्ट बीच में होता है, ठीक है। तो कई बार इन चीजों का भी जिक्र होगा, पोलर नॉन पोलर करके आगे आते हैं। एम्बेडेड मतलब धसा होता है इन द मैट्रिक्स, बीच वाला जो हिस्सा है उसको मैट्रिक्स बोल दिया जाता है ना, बीच का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोल दिया जाता है, कई बार मैट्रिक्स। टू फॉर्म ए कंटिन्यूस शीट, एक परत सी बनती चली जाती है, शीट बनती जा रही है। दिस इम्पार्ट अ हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसकी वजह से काफी ज्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एंड सेमी परमेबिलिटी टू द मेम्ब्रेन, इसकी वजह से क्या है, सेमी परमेबिल, ये इंपॉर्टेंट है, सेमी परमेबल हो गया ये। सेमी परमेबल का मतलब अब ये जो मेम्ब्रेन है हर किसी चीज को अलाउ नहीं करेगी, कुछ खास चीजों को अलाउ करेगी, कुछ खास चीजों को अलाउ बिल्कुल नहीं करेगी, तो सेमी परमेबल हो गई। एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन, देखो एक्सट्रिंसिक, देखो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो बार बार लगे हुए इनको क्या कहा जाता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। मॉलिक्यूल आर एड्सॉर्ब ऑन द लिपिड बायलेयर, ये लिपिड बायलेयर में लगे हुए होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स आर फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस बाय अटैचमेंट टू द पॉलीमरिक सुगर, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन जिनके ऊपर सुगर लगी हुई होती है ये लगे हुए होते हैं। द स्पेसिफिक लिपिड एंड प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट मेम्ब्रेन डिफर अकॉर्डिंग टू द सेल और द ऑर्गेनेल टाइप, कह रहा है जो लिपिड है और प्रोटीन कंपोजिशन है वो डिफरेंट मेम्ब्रेन की और डिफरेंट सेल की और ऑर्गेनेल की अलग अलग होती है उन्हीं के हिसाब से, ठीक है ना। द प्रोटीन्स आर एबल टू फ्रीली फ्लोट थ्रू द मेम्ब्रेन, अब इस प्रोटीन की खासियत है, ये प्रोटीन है ये पूरा ऐसे फ्लो कर सकती है इसमें, है ना, बाहर नहीं निकलेगी, इसी में ही अंदर अंदर ये खिसक के यहां आ जाएगी, कहो ठीक है ना, तो अंदर ही अंदर फ्लो कर सकती है ये। आगे आते हैं, द प्रोटीन्स आर एबल टू, ठीक है ये हो गया। सम ऑफ द इंट्रिंसिक वन विच एक्सटेंड थ्रू द फुल थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन सराउंड फाइन एक्वास्पोर, कह रहा है जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है कुछ, सम ऑफ द इंट्रिंसिक वन, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है कुछ, विच एक्सटेंड थ्रू द फुल थिकनेस, जो पूरी थिकनेस के अक्रॉस खिंच गए हैं अंदर से लेके बाहर तक, इनके अंदर सराउंड अ फाइन एक्वास्पोर, इनके अंदर एक खास पोर होता है ना, पोर देख रहे हो ये छेद जैसा है ये, ठीक है, जिससे कुछ चीजें अंदर बाहर आ सकती हैं, और ये एक्वास्पोर है, एक्वास मतलब वाटर सोल्युबल चीजों को ही अपने अंदर से अलाउ करवाता है। पैरासेलुलर स्पेस और चैनल, पैरासेलुलर क्या होता है, दो सेल्स के बीच में, मान लो एक सेल ये है और एक सेल ये है, तो कई बार इनके बीच में ना स्पेस रहता है इस तरीके से अंदर बाहर जाने, या फिर यूं कह समझ लें हम लोग कुछ, ये मैं गैप दिखा दे रहा हूं, दो सेल्स होते हैं इनके बीच में क्या रहता है, गैप रहता है, तो इसको बोल देते हैं पैरासेलुलर स्पेसेस। और चैनल्स आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द सर्टन एपिथेलियल और एंडोथेलियल सेल, अब बच्चों ये एपिथेलियल एंडोथेलियल अगर आप लोगों ने है पढ़ रखी है, वहां पर तुम लोगों ने क्या पढ़ा होगा, सेल्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, और जो इसमें एक फर्स्ट चैप्टर है जिसमें सेल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा पार्ट है, तो ये छोटी बेसिक सी बातें पता होंगी सब लोगों को, ठीक है ना।
अदर एडजॉर्ब प्रोटीन हैव एंजाइमेटिक, कुछ और जो प्रोटीन होती है वो एंजाइमेटिक होती है, कैरियर होती है, है ना, कैरियर मतलब वो भी कैरी करने काम करती है, रिसेप्टर होती है रिसीव करने काम करती है, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रॉपर्टीज होती है, सिग्नल जो बाहर से आते हैं उनको सेल के अंदर पहुंचाने का काम करती है। तो यहां पर अगर मोटा मोटा देखा जाए तो हमें केवल ये समझना है, एक ये बाइलेयर और दूसरा ये वाली प्रोटीन, ठीक है ना, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, बाकी बातें हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट या मतलब की नहीं है। लिपिड मॉलिक्यूल आल्सो आर कैपेबल ऑफ लैटरल मूवमेंट, जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो लैटरल मूवमेंट साइड में ऐसे खिसक सकते हैं, ठीक है ना, इसमें जो लिपिड के मॉलिक्यूल हैं वो ऐसे साइड साइड में खिसक सकते हैं, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड वगैरह जो है ये। आगे आते हैं, दस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर हाईली डायनेमिक स्ट्रक्चर, अब इसको हम लोग कह सकते हैं कि हाईली डायनेमिक है, एकदम मतलब ऐसा नहीं कि स्थिर रहता है, और वो अपना क्या रहता है, मोशन में रहता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर हरकत होती रहती है। तो मुद्दा क्या है, हमें समझना है, बाइलेयर है, बीच में प्रोटीन्स लगी हुई हैं, और इन्हीं को क्रॉस करते हुए हमारे ड्रग्स को अंदर बाहर करना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन और मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन कुछ भी कह लो, ड्रग्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन या फिल्ट्रेशन कह लो या स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट कह लो। तो डिफ्यूजन मेरे ख्याल से सब लोग समझते होंगे डिफ्यूजन क्या होता है, और इसे पैसिव क्यों कहा गया, देखो थोड़ा सा चीजों का जिक्र कर दूं मैं यहीं पर ही। डिफ्यूजन सिंपल सा मतलब होता है किसी भी चीज का हाई कंसंट्रेशन से, जहां पे उसकी मात्रा ज्यादा है, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाना, है ना। जैसे क्या होता है, हम लोग एक तरफ कमरे में अगरबत्ती जलाई तो उसका धुआं धीरे धीरे पूरे में फैल जाता है, तो वहां पर उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और जहां कंसंट्रेशन कम है वहां पर वो अपने आप धीरे धीरे फैलता हुआ चला जा रहा है। बात समझ में आ रही है, तो डिफ्यूजन सिंपल है, क्या इसमें किसी टाइप की कोई एनर्जी खर्च हो रही है, नहीं, इसीलिए शब्द जुड़ा पैसिव, जहां एनर्जी का खर्चा नहीं होता है, जहां पे हमारे इस बॉडी के अंदर मोशन बिना एनर्जी खर्च किए हो जाएंगे उनके लिए शब्द क्या जुड़ जाएगा, पैसिव, और जहां एनर्जी खर्च होगी वहां शब्द क्या जुड़ जाएगा, एक्टिव, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो डिफ्यूजन इज अ काइंड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, अपने आप जो चीज ज्यादा है वो अपने आप लो जगह पे मूव करेगी, क्लियर है। जैसे देखो होगा, दो कंटेनर ले लें अगर हम लोग, है ना, और इसके बीच में एक ऐसे कनेक्शन कर दें, और एक में पानी इतना भरें, एक में इतना भरें, तो ऑटोमेटिक यहां से पानी ऑटोमेटिक यहां फ्लो करेगा, कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। सेम केस डिफ्यूजन में होता है, सेल की मेम्ब्रेन होती है, अपने आप ड्रग अंदर जा रहे हैं। अब ये मेम्ब्रेन जब भी ऐसी दो लेयर बनाया करूंगा मेम्ब्रेन की, तो समझ जाना वही वाली लेयर बनाई है मैंने, सिंगल भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये अंदर जा रहा है, कब तक अंदर जाता रहेगा, यहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स हैं, तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों तरफ बराबर ना हो जाए, तब तक वो अपने आप डिफ्यूज करता रहेगा, मूव करता रहेगा ड्रग। तो बात समझ में आई, स्पेशलाइज क्या होते हैं उसको समझेंगे अभी, और डिफ्यूजन को भी थोड़ा डिटेल में जानना है हमको। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से, पैसिव डिफ्यूजन से। तो पैसिव डिफ्यूजन हमारे पास दो तरीके से है, देखो यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। एक क्या है, जो फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं वो डायरेक्ट मेम्ब्रेन से इन होते हैं। अब ये मेम्ब्रेन बार बार वही वाली है, ऊपर वाली, जिसको कंफ्यूजन हो पहले नोट्स निकाल ले, सामने डायग्राम रखे, या किसी और बुक से डायग्राम सामने रखे और देखता चले। और दूसरा मैंने बताया था, ये प्रोटीन जो होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, चैनल होते हैं, छेद होते हैं, इस छेद के थ्रू होते हुए खासकर कौन से, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, ये इस छेद के थ्रू आते हैं, जिनको हम लोग चैनल प्रोटीन्स भी कहते हैं। तो ऑटोमेटिक यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कंसंट्रेशन, अगर इसको आउटसाइड मान लूं, इसको मैं इनसाइड मान लूं, तो यहां पर कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी, हाई से ऑटोमेटिक लो की तरफ वो मूव करेगा अपने आप बिना एनर्जी खर्च किए। बात समझ में आई, तो पैसिव डिफ्यूजन, नो यूज ऑफ एनर्जी और एटीपी, क्योंकि एनर्जी यूज करने का मतलब क्या है, एटीपी का खर्चा होगा, है ना। हमारी बॉडी में जब एनर्जी इस्तेमाल होती है तो वहां पर कौन सा मॉलिक्यूल खर्च हो जाता है, एटीपी का, पता नहीं बात। चलो, द ड्रग डिफ्यूजेस अक्रॉस, अक्रॉस मतलब आर पार, अक्रॉस मतलब आर पार जा रहा है मेम्ब्रेन के, इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो, ग्रेडियंट वर्ड एक स्टैंडर्ड वर्ड है, कई जगह मिल जाएगा तुमको, इसका ग्रेडियंट वर्ड कहीं पे भी लग जाए, प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। ग्रेडियंट मतलब जहां पे डिफरेंस हो, एक चीज कम हो एक चीज ज्यादा हो। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन एक तरफ कम है एक तरफ ज्यादा है, जब कोई चीज कम ज्यादा होती है तो एक वर्ड लगा देते हैं ग्रेडियंट, है ना। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, और कहां से कहां मूव करेगा, हाई से लो की तरफ। द वास्ट मेजोरिटी, बहुत ज्यादा जो ड्रग है, आर एब्जॉर्ब्ड बाय दिस मैकेनिज्म। सबसे ज्यादा ड्रग का हमारी बॉडी में अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो इसके ही थ्रू होता है, ठीक है। द मेम्ब्रेन प्लेइंग नो एक्टिव रोल इन द प्रोसेस, मेम्ब्रेन खुद से कोई काम नहीं कर रही, ड्रग अपने आप डिफ्यूज हो रही है, मेम्ब्रेन खुद से एनर्जी खर्च करके ड्रग को नहीं खींच रही, ड्रग अपने आप जा रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर मेजोरिटी ऑफ ड्रग, ठीक है, ये लाइन एक ही होगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ज्यादातर ड्रग्स के लिए।
लिपिड सॉल्युबल ड्रग डिफ्यूजेस बाय डिसॉल्विंग इन द लिपोइडल मैट्रिक्स. लिपोइडल मतलब जो लिपिड वाला मैट्रिक्स है, ये यहां डिसॉल्व होता है फिर यहां से यहां आ जाता है, ठीक है, ऑफ द मेम्ब्रेन. द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज प्रोपोर्शनल टू द लिपिड वाटर रेशियो. लिपिड और वाटर का रेशियो क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना. जो ये लिपिड के थ्रू ड्रग अंदर आ रहा है ना, वो किसी पर डिपेंड करेगा कि उसका उसके अंदर लिपिड और वाटर का कंसेंट्रेशन कितना है, ठीक है, ऑफ द ड्रग. अ मोर लिपिड सॉल्युबल ड्रग अटेन हायर कंसेंट्रेशन इन द मेम्ब्रेन एंड डिफ्यूज क्विकली. अब होगा क्या, जो ज्यादा लिपिड सॉल्युबल है वो खूब सारा आ जाएगा यहां पर, जो ज्यादा है ना खूब सारा यहां पर आ जाएगा, यहां पर डिजोल्व हो गया, फिर यहां यहां कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यहां कंसेंट्रेशन कम है, फिर यहां से यहां आ जाएगा. तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो जितना ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा वो उतना ज्यादा अच्छा मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्रॉस करेगा. पहली बात दिमाग में सेट कर लो, मोर इज द लिपिड सॉल्युबल मोर इजीली एब्जॉर्बेबल. क्लियर, ठीक है, डिफ्यूज होगा क्विकली. ऑल्सो ग्रेटर द डिफरेंस इन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. जितना अच्छा लिपिड सॉल्युबिलिटी के साथ साथ मान लो ड्रग हमने ज्यादा ली है, कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो ज्यादा अच्छे से क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा. कंट्रा की थोड़ी सी है तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, जैसे हमने अभी पीछे देखा था, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, एक में पानी इतना, एक में पानी इतना, बहुत जल्दी पानी गिरेगा, एक में इतना पानी धीमा हो जाता है ना, इधर से इधर फ्लो होना, जो अभी हमने देखा था. क्लियर है, बातों को क्विक कोरिलेट करना है, कोरिलेट ना कर पाओ वीडियो पॉज करो, फिर फटाक से उसको पीछे का देखो, फिर आगे आओ, ठीक है ना. आगे आते हैं, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट भी रोल प्ले करता है कहां पर, टू साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन फास्ट इज इट्स डिफ्यूजन. मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा, डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, यहां कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो यहां बहुत कम हो, उतना फास्ट डिफ्यूजन होगा. तो डिफ्यूजन दो चीजों पर डिपेंड करेगा, किस किस पे, लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग एंड सेकंड इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द ड्रग अक्रॉस द मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन के आर पार कितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, डिफरेंस है. बात समझ में आ रही है, तो ये लाइन हो जाती है हमारे पास इंपॉर्टेंट. क्लियर है, वाटर सॉल्युबल ड्रग पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन थ्रू एक्वस चैनल्स. जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो इस चैनल के थ्रू पेनेट्रेट करते हैं, इसके थ्रू पेनेट्रेट मतलब भेदना, पेनेट्रेट करते हुए छेद मतलब करते हुए आ जाएंगे, ठीक है, आर पार चले जाएंगे. और पोर्स, इनको पोर भी कहते हैं, पोर मतलब छेद, है ना, चैनल कह लो पोर कह लो एक ही बात है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पोर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसको हम लोग पोर ट्रांसपोर्ट का भी नाम देते हैं. और बल्क फ्लो, अब छेद तो खुला हुआ है ना तो बहुत सारा मॉलिक्यूल अंदर आ जाता है, तो इसको बल्क फ्लो भी कहते हैं और फिल्ट्रेशन भी बोल देते हैं. तो दो तीन नाम है इसका, ये जिन पे गोले करते जा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, इनको बिल्कुल भूलना नहीं है. क्लियर है, आगे आते हैं. स्पेशलाइज, जो डिफ्यूजन हो गया बिना एनर्जी वाला, स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट, कुछ खास तरीके के ट्रांसपोर्ट, ये किस तरीके से होते हैं आओ समझते हैं. इनको समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स क्लियर करने पड़ेंगे, याद नहीं करने आएंगे नहीं, लेकिन कुछ टर्म्स क्लियर करने पड़ेंगे. पहला टर्म क्या है, जैसे SLC वगैरह है, कह रहा था टू मेन ट्रांसपोर्टर. देखो जब भी ट्रांसपोर्टर बोल रहा हूं तो यहां पर मेम्ब्रेन के आर पार जो प्रोटीन लगी हुई थी उनका जिक्र हो रहा है. मेम्ब्रेन पर जो प्रोटीन लगी होती है वही हेल्प करती है इधर से उधर ड्रग को पहुंचाने में, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, ट्रांसपोर्टर. इसीलिए वो शुरुआत में डायग्राम दिखाया था वो जरूरी था. क्लियर हो गया, तो कह रहा है यहां पर ट्रांसपोर्टर की दो सुपर फैमिली है. एक है ATP बाइंडिंग कैसेट, जिसे हम ABC बोलते हैं, बहुत बच्चों को पता ही नहीं होगा, सुन रखा होगा शायद, ATP बाइंडिंग कैसेट है ना, जो कि ATP के बाइंड होने से काम करेंगे. ओके, सुपर फैमिली एंड द सॉल्यूट कैरियर सुपर फैमिली. ये सिंपली क्या है, सॉल्यूट को पकड़ेगी और नीचे ले जाएगी. सॉल्यूट कैरियर, सॉल्यूट को पकड़ने वाली सुपर फैमिली, ये भी प्रोटीन ही है, मेम्ब्रेन का ये भी क्या है, दोनों प्रोटीन ही है. तो एक को हम SLC बोलते हैं, सॉल्यूट कैरियर सुपर फैमिली, एक को हम ATP बाइंडिंग कैसेट बोल देते हैं. तो ध्यान रखना कुछ और नहीं है, ये क्या है, टाइप ऑफ प्रोटीन है जो क्या कर रही है, सॉल्यूट को मेम्ब्रेन के इधर से उधर ले जाने में हेल्प करेंगी. तो दो कैटेगरी में डाल दिया गया है, एक ये है और एक ATP वाली है जिसमें ATP का इस्तेमाल हो जाएगा. आओ देखते हैं, सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्ट अ फैमिली ऑफ मोर देन 300 मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन. करीब 300 से ज्यादा प्रोटीन उसके अंदर काउंट मतलब अब तक जो है खोजी गई है या है इसके अंदर. डेट फैसिलिटेट, जो फैसिलिटेट करती है, हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाइड एरे या वाइड रेंज, कर लो एरे में दिक्कत है तो रेंज ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब ड्रग कर लो अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, सबस्ट्रेट की जगह क्या कर लो, ड्रग कर लो अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के आर पार करने में लगभग SLC के लगभग 300 से ज्यादा मेंबर हैं. ABC ट्रांसपोर्ट हार्नेस एनर्जी, ये एनर्जी खर्च करवाएगी तभी करेगी, है ना, इसीलिए इसके साथ खास जोड़ दिया ATP फ्रॉम द ATP हाइड्रोलिसिस, है ना, हमको ये पढ़ा है हम लोगों ने, जाना है ATP किसमें टूटता है, ATP टूट जाता है ADP
प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और साथ में ढेर सारी क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी इस्तेमाल करके वो ट्रांसपोर्ट को करवाता है, तो एटीपी एबीसी कहा जाता है उसे, एबीसी ट्रांसपोर्टर कहा जाता है। वेयर एज एसएलसी ट्रांसपोर्टर आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन द अपटेक ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल इन टू द सेल, ठीक है ना। तो वो स्मॉल मॉलिक्यूल लेता है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट कैन बी कैरियर मेडिएटेड, जो स्पेशलाइज्ड होते हैं वो कैरियर मेडिएटेड हो सकते हैं और बाय वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट या वेसिकल्स के द्वारा हो सकते हैं, जिसको हम एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। तो अब देखते हैं कैरियर मेडिएटेड क्या है और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो स्टार्टिंग में ये तीन थे, नहीं पढ़ने मत पढ़ो, ठीक है, लेकिन दो टर्म समझ लेना, एबीसी और एसएलसी क्या होते हैं, इस टर्म का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट दो टाइप के हमारे पास, कैरियर मेडिएटेड और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, क्लियर है, चले आगे। अब देखो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, नो यूज ऑफ एनर्जी, अब इसमें भी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन कैरियर प्रोटीन, प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। अब होता क्या है देखो जरा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बाहर की तरफ है, ड्रग आ गया मान लो ग्लूकोज है, ठीक है, ड्रग आ गया मान लो ग्लूकोज है, इसका मुंह ऐसा खुला हुआ है, आओ भाई ग्लूकोज आए, डाइट पार नहीं कर सकते, यहां गए और ये क्या हो गया, इसको देख रहे हो ऐसे पलट गया, ये ऐसे करके घूम गया, या फिर यूं कह लो ऊपर मुंह बंद कर लिया और नीचे मुंह ऐसे खोल लिया। तो ये जो प्रोटीन है अपना शेप साइज चेंज कर रहा है, और उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करेंगे, कॉन्फिगरेशन में चेंज आ रहा है, किसकी, इस प्रोटीन की। इस प्रोटीन ने देखो ये ऊपर था, अभी नीचे हो गया, ठीक है, अब ये डग यहां निकल गया, फिर ऊपर हो गया ये, तो अपना कॉन्फिगरेशन ही चेंज कर लेता है ये। तो ये हेल्प कर रहा है, कैरियर है ये, ठीक है, यहां पे एनर्जी का खर्चा नहीं हो रहा है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो दिखा रखी है, इसके आर पार ये लगा हुआ है, ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है सेल के अंदर, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल के बाहर, ग्लूकोज कैरियर, ग्लूकोज का बहुत कॉमन एग्जांपल है, शायद आप लोगों के टीचर लोगों ने भी बताया हो ये चीज, ठीक है। तो आओ समझते हैं अब क्या कह रहा है, ये बात समझ में आई। तो यहां पर जो ये प्रोटीन है, ये ट्रांसपोर्टर, ये अपना शेप ही बदल दे रहा है, ये लो ऐसे आ जाओ नीचे, या ऐसे करके घूम जाएगा नीचे, ठीक है। अब आते हैं देखते हैं इस बारे में, पढ़ते हैं समझते हैं क्या कह रहा है ये। द ट्रांसपोर्टर बिलोंगिंग टू द सुपर फैमिली ऑफ सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर, ये जो ट्रांसपोर्टर है किसको बिलोंग करते हैं, एसएलसी, क्योंकि ये एनर्जी खर्च नहीं करते हैं, ऑपरेट पैसिवली विदाउट नीडिंग एनर्जी, ये बात भी होगी। अब इसको तुम लोग चाहो सिंपल वर्ड में कह सकते हो कि ये एनर्जी खर्च नहीं करता, एंड ट्रांसलोकेट द सब्सट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, यहां ग्लूकोज बहुत ज्यादा पकड़ के अंदर डाल देगा, क्योंकि ग्लूकोज इस मेम्ब्रेन से क्रॉस करने में उसको दिक्कत है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से ये मेम्ब्रेन प्रोटीन खींच खींच के ग्लूकोज को अंदर लेके जा रही है, या हमारे किसी ड्रग को लेकर के अंदर जाएंगे, क्लियर है, एनर्जी का खर्चा नहीं होगा और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से काम होगा, ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा, बात दिमाग में डाल लेना, क्लियर है, अभी तक एनर्जी का खर्चा नहीं हुआ है। चलें आगे, आगे आते हैं, क्या कह रहा है अभी, अभी कह रहा है इट फैसिलिटेट परमिएशन ऑफ पुअरली डिफ्यूजिबल सब्सट्रेट, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, जो पुअरली डिफ्यूजिबल है, जो अच्छे से डिफ्यूज नहीं हो सकते या कम डिफ्यूज होते हैं, उनमें हेल्प करता है ताकि जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा ड्रग अंदर आ जाए। एग्जाम्पल कह रहा है द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द मसल्स एंड फैट सेल्स बाय द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ग्लूट फोर, अब एग्जाम्पल दे दिया, जो ट्रांसपोर्टर था उसका नाम ग्लूट फोर है, वो फटाफट ग्लूकोज की एंट्री करवाता है कहां पर, सेल्स के अंदर और मसल्स के अंदर, क्लियर है, वो कहानी उसकी खत्म हो जाती है। अब आती है बात एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, यहां पर एनर्जी खर्च होगी, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखो यहां पर क्या है, चीज वही है, यहां पर भी थोड़ा सा कॉन्फिगरेशन में चेंज आएगा, लेकिन ये चेंज लाने के लिए किसका खर्चा होगा, एटीपी का खर्चा होगा। ये चेंज लाने के लिए यहां पर कि पहले से खुला हुआ है, अब इसको बंद करके नीचे खोलना पड़ेगा, ठीक है ना, इसके लिए क्या चाहिए, खर्चा लगेगा एटीपी का। तो देख रहे हैं मिनरल्स, सम सुगर एंड मोस्ट अमीनो एसिड मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद एन इनपुट ऑफ एनर्जी, तो यहां मिनरल्स की बात कर दी, सेम इस तरीके से जब ड्रग्स भी आएंगी तो इधर से अंदर जाने के लिए हमें किसका खर्चा लगेगा, एटीपी का, ठीक है, बात समझ में आई, चले आगे। तो क्या बोल रहा है, इट रिक्वायर्स एनर्जी, इसको एनर्जी की जरूरत है, ठीक है भाई, फॉर ट्रांसपोर्टेशन इट इज इनहिबिटेड बाय मेटाबॉलिक पॉइजंस, अगर कोई पॉइजन, क्योंकि देखो ये प्रोटीन्स होते हैं ना, ये क्या है, प्रोटीन्स है, कोई मेटाबोलाइट ऐसा हो जो कि इसको प्रोटीन को खत्म करने का काम कर दे, तो क्या होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, तो इट इनहिबिटेड, रुक जाता है किसके द्वारा, मेटाबॉलिक पॉइजंस के द्वारा। इट ट्रांसपोर्ट द सॉल्यूट अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मतलब क्या हो गया, अगर यहां पर लो भी है ना, यानी कि यहां पर देखो समझ लो इसको, यहां पर मान लो अगर लो है
और यहां पर क्या है हाई, भाई क्योंकि हमको दवा पूरी पूरी चाहिए, जो खाइए मैक्सिमम दवा चाहते हैं सेल के अंदर जाए। तो अभी कम वाले को भी खींच रहा है, ताकत लगा के खींच रहा है, क्यों, एनर्जी खर्च कर रहा है। तो ये हो गया अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये वर्ड इस्तेमाल होगा इसके लिए, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर है बातें, ठीक है। तो ये इसके लिए खास बात आ गई, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके, लो टू हाई, ठीक है, विच रिजल्ट इन सिलेक्टिव एक्यूमुलेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अब सिलेक्टिव, जिस किसी को, किसी एक के लिए वो खींच खींच के अंदर करेगा, वो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस अंदर बढ़ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ओके। अब एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल लिवोडोपा एंड मिथाइल डोपा आर एक्टिवली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट बाय द एरोमेटिक अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर। अब याद करो चाहे ना करो, ये एग्जाम्पल जस्ट समझाने के लिए है। लिवोडोपा और जो मिथाइल डोपा जो ड्रग्स होते हैं, वो जो ट्रांसपोर्टर है हमारे पास, एरोमेटिक अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर, इसके द्वारा खींच खींच के सेल के अंदर भर लिए जाते हैं। क्लियर है, चले आगे। आगे क्या कह रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी, दो टाइप की हो सकती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी का मतलब यहां पर डायरेक्ट एनर्जी खर्च होगी, और सेकेंडरी का मतलब एनर्जी कहीं और खर्च हो रही होगी, उसकी हेल्प से हमारा दूसरा कहीं पे कोई जो मॉलिक्यूल है वो एक्सपोर्ट हो रहा होगा, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब इन और आउट हो रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ ड्राइविंग फोर्स। तो फोर्स कौन सा है उसके हिसाब से या एनर्जी डायरेक्टली खर्च की जा रही है या इनडायरेक्ट खर्च की जा रही है, उसके हिसाब से हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी में इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, उसकी एनर्जी डायरेक्ट इसके अंदर इस्तेमाल होती है। द ट्रांसपोर्टर बिलोंग टू द सुपर फैमिली, यहां पर ट्रांसपोर्टर होता है वो एबीसी वाला होता है ना, एटीपी बाइंडिंग कैसेट वाला ट्रांसपोर्टर होता है, हुज इंट्रासेलुलर लूप हैव एटीपीएस एक्टिविटी, ठीक है, उसके पास एटीपीएस एक्टिविटी होती है जो उसको तोड़ने का काम करता है, ठीक। दे मीडिएट ओनली इफ्लक्स, इनका मेन काम क्या होता है, ओनली इफ्लक्स ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म आइदर टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और इनटू एन इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या होता है, सेल के अंदर से किसी चीज को बाहर फेंकना, ज्यादातर मेन काम इनका यही होता है, सेल के अंदर कोई चीज एक्स्ट्रा आ गई तो निकाल 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 बाहर कर देना, समझते हैं बात को अभी, ठीक है। सेकेंडरी और एक्टिव मेटाबोलाइट, ठीक है, इसमें क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड इन द ट्रांसपोर्टिंग एन आयन एड्स ट्रांसपोर्ट ऑफ अनदर आयन और मॉलिक्यूल, मतलब जो एनर्जी हमने खर्च की है किसी आयन को मूव कराने के लिए, ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है दूसरे आयन और मॉलिक्यूल को, है ना, एनर्जी कहीं और खर्च हुई है उसकी वजह से कोई दूसरा आयन और मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब देखो बात को समझते हैं यहां पर डायग्राम की हेल्प से। पहले प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसी को हम लोग एंटीपोर्ट भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एंटीपोर्ट, एंटीपोर्ट मतलब एक अंदर जाएगा तो एक बाहर आएगा, तो समझो बात को। यहां पर क्या खर्च हुई, इस वाले चैनल में एनर्जी खर्च हुई, ठीक है, इसने क्या कर दिया, 2K+ अंदर ले आया और 3Na+ बाहर कर दिए। अब लगातार एनर्जी खर्च करके 3Na+ बाहर फेंके जा रहे हैं, 2K+ अंदर खींचे जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो गया, Na+ का कंसंट्रेशन यहां पर बढ़ गया। अब जो बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, दूसरे पोर के द्वारा ग्लूकोज को पकड़ते हुए साथ लेके आ जा रहा है अंदर, तो यहां पे एनर्जी खर्च नहीं हुई लेकिन इसको बाहर फेंका गया, इसकी वजह से याला मॉलिक्यूल क्या हुआ, अंदर आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, सेकेंडरी में आ गया। यहां पर क्या, डायरेक्ट एनर्जी का खर्च नहीं हुआ है, यहां पर डायरेक्ट एनर्जी खर्च हुई है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी हो गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तो सोडियम पोटेशियम पंप मूव Na+ यूजिंग द एनर्जी ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस टू एस्टैब्लिश अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ Na+। इसकी हेल्प से लगातार यहां पर क्या है, सोडियम प्लस का कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है, हाई रहता है। अब सेकेंडरी में क्या है, सोडियम प्लस मूविंग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश बाय द सोडियम पोटेशियम पंप ड्राइव द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये करता क्या, यहां सोडियम बहुत ज्यादा हो गया, अब ये नेचुरली अपने आप हाई से लो की तरफ जाएगा, ये खींच खींच के किसको, ग्लूकोज को खींच खींच के बाहर से अंदर लेके आ जाता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो यहां पर हम कह सकते हैं एंटीपोर्ट, एक गया एक अंदर एक बाहर, ये हो गया सिम्पोर्ट, दोनों के दोनों अंदर, तो ये क्या कहलाता है, सिम्पोर्ट कहलाता है, क्या कहलाएगा, सिम्पोर्ट। आओ देखते हैं, तो क्या कह रहा है, सिम्पोर्ट और को ट्रांसपोर्ट, सिम्पोर्ट और को ट्रांसपोर्ट यानी कि एक साथ दो का ट्रांसपोर्ट होना। व्हेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आर सच दैट बोथ द सॉल्यूट मूव इन, दोनों के दोनों अंदर आएंगे, दोनों के दोनों कहां आएंगे, अंदर आएंगे, इन द सेम डायरेक्शन इट इज कॉल्ड सिम्पोर्ट और को ट्रांसपोर्ट, एक साथ ट्रांसपोर्ट होना और सिम्पोर्ट कहलाता है। एंटी ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट, इसको एंटी कह लो या एक्सचेंज कह लो, व्हेन दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन इट इज टर्म्ड एज एंटीपोर्ट और एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट।
मेटाबॉलिक एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, एनर्जी का इस्तेमाल होता है एटीपी के हाइड्रोलिसिस से, ठीक है ना, इज स्पेंट, ये खर्च हो जाती है इन द मेंटेनिंग हाई ट्रांसमेम्ब्रेन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ऑफ द सेकंड सॉल्यूट जनरली एन ए प्लस। तो एटीपी का बहुत ज्यादा खर्चा होता है इस सोडियम प्लस को यहां पर मेंटेन करने के लिए कि ये यहां पर बनी रहे। तो बात समझ में आ रही है, एंटीपोड और सिंपोड, ठीक है। तो बच्चों अब ये सब क्या, अब इसमें क्या है, अब मान लो यहां पर ग्लूकोज का एग्जांपल है, इसी तरह कोई ड्रग होगी यहां पर, जिस तरह से वो ड्रग क्या होगी अंदर आएगी हमारी बॉडी में, या एक ड्रग बाहर एक ड्रग अंदर, मतलब कई तरह की चीजें हैं। तो यहाँ बेसिक हम समझ रहे हैं कि इस तरह के पोर्स मौजूद है हमारी सेल मेम्ब्रेन में जो हेल्प करते हैं किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में, जो हेल्प करते हैं किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में। बात समझ में आ रही है, तो ये सब चीजें समझनी जरूरी है और ये सब जनरल चीजें हैं, ठीक है, क्वेश्चन इसमें कहीं से भी आ सकता है। आगे आते हैं, नोट, कुछ बातें नोट कर ली जाए, कुछ खास खास बातें हैं। कैरियर ट्रांसपोर्ट बोट फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सैचुरेबल, ये सैचुरेबल है, मतलब सैचुरेबल मतलब सैचुरेट हो सकते हैं, कैसे आओ देखें जरा। अब मान लो ये क्या है, पोर है, ऐसे पोर मान लो यहां पर कितने लगे हुए हैं, करीब 100 लगे हुए हैं। अब 100 के 100 पोर बिजी हो गए हैं तो मैक्सिमम कितना ग्लूकोज मॉलिक्यूल आएगा, 100 आएगा। मान लो पहले 1 से 4 बिजी हुए, 4 से 8 बिजी हुए, 8 से 20 बिजी हुए, 20 से 40 बिजी हुए, तो धीरे धीरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2, 4, 20, 30, 40, 50, फिर 100। पहले तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बढ़े, जैसे 100 हुए, अब एक सेकेंड में या एक बार में कितने मॉलिक्यूल अंदर आएंगे, सिर्फ 100 आएंगे, 100 से ज्यादा नहीं आ सकते क्योंकि ये पोर ही 100 हैं। बात समझ में आ रही है, तो ये हो गया सैचुरेशन की, मैक्सिमम 100, इससे ज्यादा नहीं आएगा, चाहे जितना मर्जी तुम ग्लूकोज बढ़ा लो यहां पर, बात समझ में, जितना मर्जी तुम सोडियम प्लस बढ़ा लो, क्यों, पोर ही कम है हमारे पास, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया सैचुरेशन, कोई चीज की लिमिट हो जाती है, क्लियर, तो सैचुरेबल है। द मैक्सिमम रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज डिपेंडेंट, अब किस किसी पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ ट्रांसपोर्टर, मतलब ट्रांसपोर्टर कितने हैं, डेंसिटी ऑफ ट्रांसपोर्टर मतलब जो मैंने बताया अभी, ट्रांसपोर्टर कितने हैं इन अ पर्टिकुलर मेम्ब्रेन एंड द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये भी बातें सही है। मान लो यहाँ पे ग्लूकोज है ही नहीं, मान लो यहाँ पे कम ग्लूकोज हैं, 2-4-10 ग्लूकोज हैं, तो भाई 10 ही तो जाएंगे, उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कितना है, यानी कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, और ये मेम्ब्रेन की डेंसिटी यानी कि इनकी संख्या कितनी है मेम्ब्रेन में, इन दोनों चीजों के ऊपर सैचुरेशन डिपेंड करता है। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म कैन ऑल्टर बोथ डेंसिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन फॉर डिफरेंट सब्सट्रेट एंड द अफेक्ट द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ ड्रग, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है ना कि कई बार कुछ लोगों को कुछ चीजें दवाएं सबको ठीक लग रहा है, एक इंसान के लिए दवाई गड़बड़ कर गई या एक इंसान को दवाई काम नहीं कर रही, क्यों हो रहा है ऐसा, समझो बात को। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि जीन्स में कुछ चेंजेस हो जाना, है ना, मॉर्फोलॉजी, उसमें जब जीन में कुछ चेंज हो जाएंगे जिसकी वजह से होगा क्या, किसी एक पट्टी, हम मान के चल रहे हैं कि एक नॉर्मल इंसान में 100 से 150 होते हैं, अब इसकी वजह से क्या होगा, किसी इंसान में मान लो 85 रह गए, जीन्स में चेंज आने की वजह से किसी के 85 हैं या किसी के 500 हो गए, ठीक है, तो उससे होगा क्या, या यूं कह लें कि जो ये प्रोटीन थी हमारे पास, ठीक है ना, ये जो जिस मॉलिक्यूल को लेकर अंदर बाहर करती थी, उस मॉलिक्यूल को एक्वायर करने की क्षमता उसकी कम हो गई या बहुत ज्यादा बढ़ गई, है ना। डेंसिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टर इन, सॉरी, एफिनिटी, एफिनिटी मतलब जिस मॉलिक्यूल को ये अंदर बाहर कर रहा है उसके लिए उसका जो लगाव है कम हो गया बहुत ज्यादा हो गया, या ठीक है ना, दोनों से कोई एक चीज हो जाएगा। तो जीन्स में चेंज आने की वजह से इसकी संख्या कम ज्यादा हो सकती है, जिसको अंदर बाहर करता है ये हो सकता है उसको करे ही ना, किसी और को करने लगे ही है, क्योंकि जीन्स में चेंज आ गया है, ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज कर रहा है, किसी और चीज को कर रहा है, ठीक है, फॉर डिफरेंट सबस्ट्रेट एंड दस अफेक्ट द, अब अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से जो ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक है उसके ऊपर क्या पड़ने वाला है, इफेक्ट पड़ेगा, क्लियर है। आगे आते हैं, टिश्यू स्पेसिफिक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैन ऑकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर इन सर्टेन सेल्स, कुछ खास ट्रांसपोर्टर कुछ खास सेल में ही पाए जाते हैं जिसकी वजह से कुछ खास ड्रग्स कुछ खास टिश्यूज या सेल के अंदर मिलेंगे, हर किसी के अंदर नहीं जाएंगे, वो जो खास ट्रांसपोर्टर है जो इस ड्रग के लिए ही बना है तो वो उसी ड्रग को लेगा, बाकी किसी ड्रग को नहीं लेगा, तो टिश्यू स्पेसिफिक हो गया, बात समझ में आ रही, क्या हो गया, टिश्यू स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, यानी कि अगर वही वाला जो खास स्पेसिफिक वाला
ये वाला किसी खास टिश्यू के अंदर बहुत ज्यादा लगा हुआ है, तो उस सेल टिश्यू के अंदर वो ड्रग बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं कि किस तरीके से चीजें इफेक्ट कर सकती है फार्माकोकाइनेटिक को। क्लियर है? आगे आते हैं, अगला है हमारे पास, हम लोगों ने जो वो पढ़ लिया, नेक्स्ट आता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। और इसके दो टाइप होते हैं इसके अंदर, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, इसको दो कैटेगरी में तोड़ा गया, एंडो और एक्सो। तो सिंपल है, देखो वेसिकुलर में क्या रहेगा, ड्रग आया ठीक, और ये मॉलिक्यूल में यहां पर लगा, फिर ये जो होता है ये लेयर ऐसे पूरी बना लेगी इसके ऊपर, ठीक है, ये पूरी इस तरीके से लेयर बन जाएगी, लेयर बन के ये अंदर आ जाएगा, अंदर आके फिर ये टूटना स्टार्ट होगा और फिर ये लेयर इस तरह से कवर होकर के अलग हो जाता है, इसको कहते हैं पिंच ऑफ। इस तरीके से ड्रग मॉलिक्यूल क्या हो गए, अंदर आ गए। जब कोई बहुत ज्यादा बड़े बड़े मॉलिक्यूल हो जाते हैं, पोर से भी नहीं आ पा रहे हैं, मेम्ब्रेन से भी नहीं आ पा रहे हैं, तो इस तरीके से ड्रग मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, ये अंदर आते हैं। ठीक, इसका उल्टा एक्सोसाइटोसिस, ये जाकर के चिपकेगा, ये टूटा फिर ऊपर से टूट जाएगा यहां से, और ये पूरा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो सिंपल है, ठीक है ना, मेम्ब्रेन का टूटना और जुड़ना, इसके अंदर दो चीजें होंगी हमारे पास। चले आगे, समझे बात को, क्या कह रहा है, सम मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स आर जस्ट टू लार्ज, बहुत बड़े होते हैं, टू पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यानी कि सेल मेम्ब्रेन से पास हो जाए, और टू मूव थ्रू अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, या किसी प्रोटीन के अंदर से घुस के निकल जाए, प्रोटीन के पोर छोटे पड़ गए, ड्रग का मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा हो गया, तो सेल यूज टू अदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस टू मूव दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब सेल क्या करता है, कुछ अलग तरह का ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेगा, जिससे कि बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ जाए, इन टू और आउट ऑफ द सेल, अंदर आ जाए या बाहर निकल जाए। वेसिकल्स और अदर बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म मूव मैक्रोमोलिक्यूल्स और लार्ज पार्टिकल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो वेसिकल्स होते हैं, ये जो वेसिकल्स हैं, ये हेल्प करते हैं अदर बॉडीज, जो वेसिकल्स और कुछ और बॉडीज भी हैं, वहाँ पे उनका जिक्र नहीं है, साइटोप्लाज्म में, कि मैक्रोमोलिक्यूल्स को या ड्रग्स को अंदर ले लें या उसको बाहर निकाल दें। बात समझ में आई? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेसिकल ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। दो टाइप के ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, अंदर आएगा तो एंडो, बाहर निकालेगा तो एक्सो। क्लियर है बातें? समझ में आ गया होगा खटाक से। तो अब एंडो की बात कर लें, इट इज एंडो मतलब अंदर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग, पकड़ना किसको, सब्सटेंस को और पार्टिकल को फ्रॉम आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर से पकड़ा, ठीक है, इनगल्फिंग इट विद द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग कर ली इस तरीके से और उसको अंदर खींच लेगा और फिर टूट के अलग कर देगा। द मेम्ब्रेन फोल्ड्स ओवर द सब्सटेंस, मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, फोल्ड, उसके ऊपर ऐसे करके कवरिंग बना लेगा, एंड इट बिकम्स कंप्लीटली इनक्लोज, अब वो क्या हो गया, पूरा पूरा इनक्लोज हो गया, कवर हो गया बाय द मेम्ब्रेन। एट दिस पॉइंट अ मेम्ब्रेन बाउंड सैक और वेसिकल पिंचेस ऑफ, जैसे पूरा पूरा कवर होकर के ऐसे आ गया अंदर, फिर यहां से ये लेयर से ऐसे करके टूट के अलग हो जाता है। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? बच्चे वगैरह सर डांस करने लगे चलो इधर आ जाओ, ठीक है। एट दिस पॉइंट मेम्ब्रेन बाउंड सैक, सैक मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सैक, सैक मतलब पाउच कह लो, कोई थैली कह लो, है ना, जैसे ही पूरी कवरिंग हो जाती है, ठीक है, जैसे पूरी कवरिंग होगी ये टूट करके इससे अलग हो जाता है, पिंच ऑफ। क्लियर है बात? ओके, पिंचेस ऑफ यानी टूट के अलग हो जाना, एंड मूव द सब्सटेंस इनटू द साइटोसोल, साइटोसोल का मतलब साइटोप्लाज्म, अब वो उसके अंदर आ गया। क्लियर? अब विटामिन B12 इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द गट वॉल बाय द एंडोसाइटोसिस, यहां पे इतना लंबा मत लिखो, एग्जांपल डाल दो, एग्जांपल विटामिन B12, वो इसी तरीके से सेल के अंदर जाता है। देयर आर थ्री मेन काइंड्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, अब इसके भी तीन टाइप पॉसिबल है, ठीक है, पहला है फैगोसाइटोसिस, या इसको सेलुलर ईटिंग भी कहा जाता है, ऑकर व्हेन द डिसॉल्व मटेरियल एंटर्स द सेल, जब कोई घुला हुआ मटेरियल सेल के अंदर एंटर करता है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंगल्फ, इंगल्फ मतलब उसे निगल लेता है द सॉलिड मटेरियल को, फॉर्मिंग अ फैगोसाइटिक वेसिकल, अब जो वेसिकल बन जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, फैगोसाइटिक वेसिकल। पिनोसाइटोसिस, सेलुलर ड्रिंकिंग, ऑकर व्हेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड्स इनवर्ड्स टू फॉर्म ए चैनल, अब इसमें होता क्या, जैसे मान लो पूरा मैं सेल बना दूं, ये मान लो यहां पर कुछ ड्रग्स आए, अभी क्या करेगा सेल, इन ड्रग्स को अंदर लेने के लिए यहां पर है ना, इस टाइप से एक ऐसे चैनल सा बना लेगा, और जहां पर ये एंड होगा फिर यहां पर इस टाइप से ये निकाल लेगा। तो ये चैनल देख रहे हो, ये इस चैनल की वजह से है ना पाइपिंग हो गया, तो ऐसा लग रहा पी रहा है ये, तो कह दिया गया सेल ड्रिंकिंग, ठीक है, और कुछ नहीं है। ऑकर व्हेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड्स इनवर्ड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, फॉर्म अ चैनल, एक चैनल बना लेता है, अलाउइंग डिसॉल्व सब्सटेंस टू एंटर द सेल, वो एंटर करेगा सेल के अंदर। व्हेन द चैनल इज क्लोज, जब चैनल क्लोज होता है द लिक्विड इज इनसर्कल्ड, लिक्विड क्या होता है,
इन सर्कल सर्कल कर लिया जाता है विद पिनोसाइटिक वेसिकल। अब जो वेसिकल बनेगा उसको क्या बोल दिया, पिनोसाइटिक वेसिकल बोल दिया। क्लियर है? ठीक है, वैसे तो मेन इसके दो ही कैटेगरी रहते हैं, एक तीसरी कैटेगरी और आती है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कई बार डिस्कस भी होती है, और वो है तो हमारी ट्रांससाइटोसिस। ट्रांस में बच्चों क्या है, कई बार ड्रग्स क्या होता है सेल के अंदर नहीं जाना है, जैसे ज्यादातर क्या होता है, मान लो ये सेल है, ये मान लो सेल है, ठीक है ना, पूरा बैरियर बना हुआ है, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना, एक बैरियर है सेल का पूरा पूरा, उसके अंदर दवा नहीं जा सकती है, और जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर ड्रग मौजूद है तो इस ड्रग्स को पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहली मेम्ब्रेन, दूसरी मेम्ब्रेन और ये सेल, पूरा क्रॉस करते हुए बाहर आना पड़ेगा, है ना। तो ये जब पूरा करते हैं ना ट्रांस, तब इसका नाम पड़ता है ट्रांससाइटोसिस। ठीक है, तो देखो जरा यहां समझ ले डायग्राम की हेल्प से, एंडोसाइटोसिस में क्या है, यहां पर ड्रग आया उसने अंदर ले लिया, अब ये अंदर ही अंदर है, ठीक है ना, या यहां से ड्रग आया, तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, रिसेप्टर पकड़ पकड़ के अंदर ला सकता है या ड्रग डायरेक्ट आ सकता है, तो ये फर्दर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये दो टाइप के होते हैं, रिसेप्टर मेडिएटेड या रिसेप्टर इंडिपेंडेंट, यानी कि रिसेप्टर की जरूरत नहीं है। अब इसकी बात कर लेते हैं ट्रांससाइटोसिस, ड्रग आया रिसेप्टर पकड़ के लेके आया, लेके आया यहां पे लाके रिसेप्टर ने बाहर छोड़ दिया, या डायरेक्ट मेम्ब्रेन से होता हुआ ये फोल्डिंग खुलती गई, ये ऐसे हो गया, खुलती गई और लास्ट में आकर के क्या हुआ ये, ओके। तो यहां पर क्या है, या तो रिसेप्टर ड्रग को लेके आया फिर वेसिकल बन गया और ये बाहर निकाल दिया ऐसे मेम्ब्रेन जुड़ के, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस कर दी, या बिना रिसेप्टर के ही ड्रग आए वेसिकल बनाया और बाहर निकाल दिया, या कई बार ऐसा हो सकता है कि वो डायरेक्ट क्या है वेसिकल टूटे, मतलब पूरा वेसिकल नहीं बनेगा, पूरा गैपिंग से हो जाती है और ये ड्रग बाहर आ जाता है, मतलब आर पार आ गया ये, यही है ट्रांससाइटोसिस। क्लियर है, बात समझ में आ गई? अब रीड कर लें थोड़ा सा ट्रांससाइटोसिस को क्या कह रहा है ये। तो कह रहा है ट्रांससाइटोसिस में आल्सो नोन एज साइटोपेम्पसिस, ठीक है ना, इज अ टाइप ऑफ ट्रांस सेलुलर ट्रांसपोर्ट इन विच वेरियस मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द इंटीरियर ऑफ द सेल, इंटीरियर ऑफ सेल के भी अक्रॉस, यानी कि जो इंटीरियर ऑफ सेल के भी अक्रॉस करते हुए पार करते हुए चले जाएंगे ये। क्लियर हो गई बातें? मैक्रोमोलिक्यूल्स आर कैप्चर्ड इन वेसिकल, मैक्रोमोलिक्यूल वेसिकल से कैप्चर्ड होते हैं, वेसिकल तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ऑन वन साइड एक तरफ ऑफ द सेल, ड्रॉन अक्रॉस द सेल, सेल के अक्रॉस लेके जाया जाता है उनको, एंड इजेक्टेड बाहर निकाल दिया जाता है ऑन द अदर साइड। एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल ट्रांसपोर्टेड इंक्लूड इम्यूनोग्लोबिन ए, ट्रांसफेरिन एंड इंसुलिन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो इस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन एपिथेलियल सेल, जो सबसे एपिथेलियल सबसे ऊपर के सेल्स होते हैं ना, जब उनके पार जाना होता है तो इसी के थ्रू क्या होता है, ड्रग हमारा जाता है, तो एपिथेलियल सेल सबसे ऊपर पाए जाते हैं, तो ड्रग को अंदर घुसने के लिए किसी भी ऑर्गन के या चीज के सेल के अंदर जाने के लिए इन सेल्स को क्रॉस करना पड़ता है, तो वहां पर ज्यादातर हमको यही देखने को मिलता है। क्लियर है बातें? नाउ एक्सोसाइटोसिस, सिंपल इसका उल्टा हो गया, बाहर निकलना, रिवर्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ वेसिकल फ्यूजिंग विद द प्लाज्मा, अब उल्टा हो रहा है, इसमें जो वेसिकल अंदर था सेल के अंदर वो जाकर के प्लाज्मा से फ्यूज हो जाएगा, है ना, याद आ रहा है? अरे ये देखो, ये जाकर के प्लाज्मा से फ्यूज हो जाएगा, प्लाज्मा खुल जाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट करके उधर चली जाएगी, ठीक है ना। तो फ्यूज होगा, फ्यूज मतलब जुड़ेगा जाकर के विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीजिंग देयर कंटेंट, और जो उसके अंदर भरा हुआ था उसको बाहर निकाल देगा टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के बाहर। एक्सोसाइटोसिस ऑकर व्हेन अ सेल प्रोड्यूस सब्सटेंस, ये जनरली कब होता है, जब सेल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है फॉर एक्सपोर्ट, बाहर बनाने के लिए, जनरली इसका मतलब हमको नॉर्मल भी चाहिए ये, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारी चीजें बनती हैं जो बॉडी के दूसरे सेल्स को या दूसरे ऑर्गन्स को देना पड़ता है, तब इसकी जरूरत पड़ती है, सच एज प्रोटीन बना ली उसने कोई, ठीक है, या सेल व्हेन द सेल गेटिंग रिड ऑफ अ वेस्ट प्रोडक्ट, या कोई वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के बाहर निकालना, या कोई टॉक्सिन आ गया सेल के अंदर उसको बाहर निकालना है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, ड्रग के लिए तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। मोस्ट हार्मोन इंसुलिन एंड न्यूरोट्रांसमीटर लाइक नॉरएड्रेनालिन आर सीक्रेटेड ऑब्लिक रिलीज्ड फ्रॉम द सेल नर्व एंडिंग बाय द एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस थ्रू ये कुछ हमारे क्या है, केमिकल्स हैं जो जनरली एक्सोसाइटोसिस थ्रू ही बॉडी के बाहर निकलते हैं, मतलब सेल्स के बाहर निकलते हैं, बात समझ में आई? नाउ फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो आखिरकार ये सारे हमने पढ़े, ड्रग किस किस तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं, मैकेनिज्म, तुम लोग क्या करोगे, अगर ऐसे कन्फ्यूजन हो रही तो पहले मैकेनिज्म या टाइप हेडिंग डाल करके उसके अंदर जो जो टाइप है उसको हेडिंग हेडिंग लिख लोगे एक साथ,
ठीक है, ताकि सारी हेडिंग दिमाग में पहले सेट हो। अगर किसी हेडिंग की सब हेडिंग है तो वो भी लिख लोगे, जिससे कि पूरा जो चार्ट है एक दिमाग में क्या हो जाए, सेट हो जाए। क्लियर है? आगे आते हैं अब हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। इसमें भी यही करोगे, फैक्टर अफेक्टिंग में पहले लिस्ट बना लोगे, एक्वा सॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन, ये 11 टॉप पॉइंट मैंने लिखे हुए, उनके सबकी लिस्ट बना के पहले याद करके दिमाग में सेट करोगे। मेन हेडिंग याद हो जाएगी ना तो उसके अंदर तो फिर कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो एक्वा सॉल्युबिलिटी, एक्वा मतलब पानी के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी। देखिए जरा क्या कह रहा है, ड्रग्स गिवन इन सॉलिड फॉर्म मस्ट डिजॉल्व इन द एक्वस बायोफेज। जो सॉलिड फॉर्म में यानी टैबलेट वगैरह खा रहे हैं हम लोग, वो बायो के अंदर, बायोफेज मतलब हमारी बॉडी के अंदर जाकर के एक्वस पानी के अंदर से डिजॉल्व होना जरूरी है, बिफोर दे आर एब्जॉर्ब, इससे पहले कि वो एब्जॉर्ब हों, क्योंकि जब तक घुलेंगी नहीं तब तक एब्जॉर्ब नहीं होंगी। फॉर पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग लाइक एस्पिरिन या ग्लिसोफल्विन, रेट ऑफ डिजोल्यूशन गवर्न्स द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब ये काफी पुअर डिजॉल्व होते हैं, बॉडी में अच्छे डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो ये कितना एब्जॉर्ब हो रहे हैं डिपेंड करेगा कि कितना ये घुल गए हैं, डिजॉल्व हो गए हैं। ठीक है, ड्रग गिवन एज वाटरी सॉल्यूशन, अगर किसी को वाटरी सॉल्यूशन के तौर पे दिया जा रहा है, सिरप है ना, इज एब्जॉर्ब फास्टर देन व्हेन द सेम इज गिवन इन सॉलिड फॉर्म और एज ए ऑयली सॉल्यूशन, है ना। बहुत सारी टैबलेट है, पैरासिटामोल का सॉल्यूशन आता है, पैरासिटामोल लिक्विड फॉर्म में आता है, पैरासिटामोल की टैबलेट भी आती है, तो टैबलेट और लिक्विड है ना। कई बार तुम लोगों ने शायद देखा नहीं होगा या कभी नोटिस करना, कई बार जब बुखार वगैरह ज्यादा होता है डॉक्टर बच्चों वाला सिरप पैरासिटामोल का पिला देता है पेशेंट को, कभी नोटिस किया है? वो इसीलिए होता है ताकि उसका असर जल्दी से हो जाए। क्लियर है? आगे आते हैं कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना फास्ट डिफ्यूजन होगा, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। पैसिव डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। देयरफॉर ड्रग गिवन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिस ड्रग में कंसंट्रेशन की मात्रा ज्यादा होगी उस केमिकल की, वो बहुत तेजी से क्या होगा, डिफ्यूज होगा, उसका फास्टर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ पीएच। अब यहाँ पे बच्चा कई बार कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाता है कि इफेक्ट ऑफ पीएच का क्या मतलब है, पीएच कैसे इफेक्ट करता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी हमको केमिस्ट्री समझनी होगी। केमिस्ट्री में क्या है, पहले तो हम बात समझें कि ज्यादातर ड्रग जो होते हैं या तो वीक बेस होते हैं या वीक एसिड होगा, है ना। जैसे पड़ा होगा सोडियम, एक आता है हमारे पास एसिक्लोफेनिक सोडियम, सोडियम यानी कि सॉल्ट होता है वो, है ना। ज्यादातर तुम लोग, हम लोग क्या बोलते हैं, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं सॉल्ट। सॉल्ट कब बनता है, जब एसिड प्लस बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं सॉल्ट, ज्यादातर सॉल्ट बोल देते हैं। तो ज्यादातर ड्रग्स सॉल्ट के रूप में होती है, यानी कि वीक एसिड या वीक बेस के सॉल्ट होते हैं। अब समझो बात को, एसिड ड्रग्स आर प्रेजेंट इन टू फॉर्म। अब ये दो रूप में मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि मान लो ये एसिड है HA, ये टूट जाएगा A माइनस और H प्लस में, क्योंकि वीक है तो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, पढ़ चुके हो क्लास 11th में इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो जब ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा टू फॉर्म में, या तो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा ये वाला पार्ट रहेगा, और आयनाइज रहेगा या चार्ज वाला पार्ट रहेगा, ए माइनस रहेगा। सेम इसी तरह का बेसिक ड्रग दो पार्ट में रहेगा, अनआयनाइज्ड बी और आयनाइज्ड चार्ज पार्ट बी एच प्लस, या तो ऐसा रहेगा या ऐसा और ऐसा रहेगा। अब समस्या क्या है, समस्या क्या है ये देखो, अ ड्रग पासिस थ्रू मेम्ब्रेन मोर रेडिली इफ इट इज अनआयनाइज्ड, इसे मार कर लेना। जो अनआयनाइज्ड होते हैं वो बहुत तेजी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं और जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट था इसके अंदर, बात समझ में आ गई, जो अनआयनाइज्ड हैं, ठीक है, या उनको नॉन पोलर बोल दिया हमने, पोलैरिटी नहीं है उनके अंदर। अब क्या कह रहा है, एसिडिक ड्रग, अब एसिड जो होगा वो बेस में जाकर टूट जाएगा, बेस जो होगा एसिड में जाकर टूट जाएगा, एसिड को एसिड में डाल दो ब्रेक नहीं करेगा, तो वही चीज आ रही है यहां पर। एसिडिक ड्रग्स आर अनआयनाइज्ड इन एसिडिक मीडियम, पेट में जाकर के वो टूटते नहीं है, यानी कि वो HA की फॉर्म में ज्यादा रहेगा, तो पेट के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो वही कह रहा है एसिडिक ड्रग्स आर अनआयनाइज्ड इन एसिडिक मीडियम, दैट्स व्हाई एसिडिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक। इसलिए ज्यादातर ये मैक्सिमम पार्ट एसिडिक ड्रग का कहां से एब्जॉर्ब हो जाता है, स्टमक से। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, स्टमक का पीएच 1.5 से 3.5 रहता है। बेसिस अनआयनाइज्ड इन बेसिक मीडियम, बेसिस बेस में नहीं टूटेंगे, यानी कि वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, और एसिड में ब्रेक कर जाता है, यानी कि जाहिर सी बात है जो दवा खाई बेसिक थी पेट में जाकर टूट गई, पेट से आगे बढ़ी बेसिक मीडियम आया वापस से जुड़ गई, जब वापस से जुड़ गई तो इंटेस्टाइन में जाकर के उनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए यानी कि वो बिना चार्ज के रहेंगे। दैट्स व्हाई बेसिक ड्रग्स आर मेनली एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन, यहां पीएच उसका क्या होता है 6 to 7.4 होता है। ये बात समझ में आ रही है, तो यही है पीएच का खेल सारा, है ना, यहीं से क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये समझने होते हैं, इसके चक्कर में पूरी रामकहानी पड़ता है, जरूरत नहीं उसकी हमको। ब्लड फ्लो टू द एब्जॉर्प्शन साइट, ऑब्वियसली बात है जितना ज्यादा ब्लड कैपिलरीज मौजूद होंगी उतना ज्यादा ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये बात हम जानते हैं।
द इंटेस्टाइन्स रिसीव मच मोर ब्लड फ्लो. इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे माइक्रो विलाई विलाई होते हैं जिनके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा पाई जाती हैं. स्टमक में उतनी ज्यादा ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो जाहिर सी बात है इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू स्टमक. टोटल सर्फेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन. सर्फेस एरिया हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है, पेट तो हमारा सिंपल ऐसा ही होता है, लेकिन जो इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर क्या होती है, विलाई होती है. विलाई पता है ना, अरे भैया विलाई विलाई पता है ना, विलाई 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 पता है, नहीं पता, चलो दिखाने की कोशिश करते हैं विलाई को. ये देखो इमेजेस दिखा दो कुछ बढ़िया जी. ये देखो पेट जो हमारी आंतें होती है कुछ ऐसी होती है, कुछ लोगों को तो घिन आ जाएगी. यस ये है विलाई, ऐसे छोटे छोटे उभार रहते हैं जिससे कि इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना. और विलाई को अगर तुम गौर से देखोगे तो एक विलाई के अंदर क्या रहती है, ब्लड वेसल्स रहती है. एक विलाई के अंदर क्या रहता है, ब्लड वेसल्स रहते हैं ये, है ना. तो बहुत सारा जितना ज्यादा विलाई उसके हर एक के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद है, तो उसकी वजह से वहां पर क्या है, ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा है, तो यहां पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा. कॉन्टैक्ट टाइम एट द एब्जॉर्प्शन साइट, जहां पर एब्जॉर्ब होना है वहां पर कॉन्टैक्ट टाइम कितनी देर के लिए उसका कॉन्टैक्ट है. अब मान लो फटाफट आके निकल गई, एब्जॉर्ब होने का टाइम कम मिला, काफी देर तक रुकी हुई है, एब्जॉर्ब होने का टाइम ज्यादा मिलेगा. ठीक है, इफ अ ड्रग मूव्स, तो क्या कह रहा है, इफ अ ड्रग्स मूव थ्रू द जी आई ट्रैक्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी कि पेट वेरी क्विकली एज कैन हैपन विद सीवियर डायरिया. जब डायरिया होता है बहुत जल्दी जल्दी जो मटेरियल होता है बॉडी पेट के अंदर से पास हो जाता है. अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, इट इज नॉट वेल एब्जॉर्ब, तो दवा हमारी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगी. कन्वर्सली इसका उल्टा, एनीथिंग डैट डिलेज, कोई भी चीज जो डिले करे ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम द स्टमक, की जल्दी से स्टमक से ना जाए टू द इंटेस्टाइन, डिले द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को उतना ही क्या करेगा, ज्यादा कर देगा. बात समझ में आ रही है, आगे आते हैं. द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक बोथ डायल्यूट, अगर खाना है ना, जनरली डॉक्टर क्या कहता है, खाना खाने के बाद, एक्चुअली कायदा क्या होता है, खाना खाने के एक डेढ़ घंटे बाद खाना चाहिए, ताकि खाना काफी हद तक क्या होता है, जा चुका होता है. तो खाने से क्या रहता है, दो तीन बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दवाई हमारे पेट के लेयर को नुकसान नहीं पहुंचाती है, प्लस दो बातें हो जाती हैं, एक तो दवा को क्या कर दिया उसने, डायल्यूट कर दिया एंड द ड्रग एंड डायल्यूट कर दिया एंड स्लो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग. अब पेट धीमे धीमे खाली होगा तो दवा को एब्जॉर्ब होने का टाइम ज्यादा मिलेगा. Therefore, a drug taken with meal is generally absorbed more slowly. थोड़ा सा स्लो हो जाता है जब भी हम खाने के साथ लेते हैं, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है. एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन, देखो जरा पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या चीज़ है, ये खास तरह का, ये कह लो कि ये भी क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के आर पार पाए जाने वाला एक खास तरह का प्रोटीन ही है. ठीक है, अब क्या है, इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर, ये भी एक ट्रांसपोर्टर है, प्रोटीन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वेरियस मॉलिक्यूल, ये कई सारे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइक ड्रग अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के उस तरफ. अब मेन दिक्कत कहां पर है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में टिश्यूज और सेल के अंदर पाया जाता है ये, इंक्लूडिंग द लिवर, लिवर के अंदर है, किडनी में है, प्लेसेंटा, इंटेस्टाइन एंड ब्रेन कैपिलरीज, एंड इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड. ये दिक्कत है इसके साथ, ये क्या करता है, टिश्यू से निकाल निकाल के ब्लड में फेंक देगा, जबकि दवा का असर होने के लिए ब्लड से टिश्यू में आना चाहिए. तो इसका क्या हो जाएगा इफेक्ट, अगर ये बहुत ज्यादा है तो जो ड्रग बॉडी के अंदर जाएगी खटाक से बाहर निकालेगा, सेल के अंदर जाएगी खटाक से बाहर निकाल देगा, दवा के असर को होने नहीं देगा ये. डेट इज इट पंप्स ड्रग्स आउट ऑफ द सेल, ये ड्रग को सेल के बाहर निकाल दे रहा है. Thus, in area of high expression, यानी कि जहां पे बहुत ज्यादा ये पी ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद है, reduces drug absorption, वहां पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो बाहर निकाल देगा. In addition to transporting many drugs out of cell, it also associated with the multi-drug resistance. अब कई सारे ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंस हो गया, ये घुसने नहीं देगा अंदर, कई सारे ड्रग अफेक्ट ही नहीं पड़े, मान लो घुसा भी तो तुरंत बाहर निकाल देगा, तो ड्रग्स को असर ही नहीं करने देगा, तो ये कई सारे ड्रग्स का रेजिस्टेंस भी पैदा करवा लेता है इस तरीके से, क्योंकि सेल के अंदर घुसने ही नहीं दे रहा वो, कि वो अपना असर कर पाए. क्लियर है, तो ये दो लाइनें याद रखेंगे इसके लिए, आगे चलते हैं. ठीक है, ये क्या कर रहा है, एपी ग्लाइकोप्रोटीन, जितना ज्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन उतना कम हो जाएगा.
अब कई जगह रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का भी फर्क पड़ता है, जैसे कि अगर हम ओरल ले रहे हैं ड्रग को तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव बैरियर टू ओरल ड्रग इज द एपिथेलियल लाइनिंग, अभी हमने पढ़ी थी, जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो ड्रग को एब्जॉर्ब होने में दिक्कत करेगी। डिजोल्यूशन इज द सरफेस फिनोमिना, जो घुलना है दवा का, ये सरफेस मतलब उसकी लेयर की सरफेस पे घुल जाएगी दवा। देयरफॉर पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग इन सॉलिड डोजेस फॉर्म गवर्न्स द रेट ऑफ डिजोल्यूशन एंड इन टर्न रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। पार्टिकल साइज जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना अच्छा वो डिजोल्व हो जाएगा, तो ड्रग का पार्टिकल साइज भी मैटर करता है। तो यहाँ पे एक्चुअली एक छोटी सी हेडिंग बननी चाहिए, ड्रग पार्टिकल साइज भी अफेक्ट करता है ना ओरल के केस में। आगे आते हैं, प्रेजेंस ऑफ, क्या कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ फूड डाइल्यूट द ड्रग, ये पढ़ चुके हैं अभी हम लोग, फूड की वजह से क्या होता है ये डाइल्यूट हो जाएगा प्लस डिले होगा, ठीक है। सर्टन ड्रग्स आर डिग्रेडेड इन द जीआईटी, ये भी हम पढ़ चुके हैं, पीएच, पेट के पीएच की वजह से कई सारे ड्रग्स टूट फूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग कैन बी अफेक्टेड बाय अदर कॉन्क्रेंटली इंजेस्टेड ड्रग, अगर एक के साथ कोई दूसरा ड्रग भी लिया हुआ है तो कई बार दोनों ड्रग मिलकर कुछ और बना लेते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स, जिसको हम ल्यूमिनल इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब वो जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है वो इनसॉल्युबल हो गया, मतलब ना तो ये दवा एब्जॉर्ब होगी अब ना ये दवा एब्जॉर्ब होगी, वो पेट में जाएगी सीधा और फिर पॉटी से बाहर हो जाएगी। ड्रग कैन ऑल्सो ऑल्टर एब्जॉर्प्शन बाय गटवाल इफेक्ट, है ना, गटवाल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो पेट की मोटिलिटी है ना, पेट के अंदर जो मोशन होता है जिसकी वजह से दवा आगे पास हो रही है, तो अगर वो उसमें चेंज आ जाए या कॉजिंग म्यूकोसल डैमेज या उसकी म्यूकोसा में डैमेज हो जाए, जहां से वो ड्रग को एब्जॉर्ब कर रहा है वो डैमेज हो गया, ड्रग को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, तो कई बार ये सारी सिचुएशन भी आ जाती है ओरल के केस में। बात करें अगर सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर, यानी कि दोनों केस में हमने कहां डाल दिया, मसल में डाल दी दवा। By these routes, the drug deposited directly in the vicinity, मतलब पास में, समीप में, of the capillary, सीधे सीधे blood capillaries के बगल में हम लोग दवा को डाल देते हैं। Lipid soluble drug pass readily, obviously बात है, blood capillaries के अंदर जाने के लिए cell membrane को cross करना पड़ेगा, तो lipid soluble जल्दी से पास हो जाएंगी, and the whole surface of the capillary endothelium, यानी कि जो capillary endothelium होगी, capillary की जो endothelium है उसके through जाने के लिए, अगर वो दवा कैसी है, lipid soluble है, तो बहुत तेजी से और बहुत जल्दी से क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। सीधे सीधे ध्यान रखना है, अगर लिपिड सॉल्युबल है तो वो ब्लड कैपिलरी से बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सबक्यूटेनियस साइट इज स्लोअर देन दैट फ्रॉम आईएम साइट, यानी कि अगर दोनों कंपेयर कराएं तो इंट्रामस्कुलर में फास्ट रहता है, सबक्यूटेनियस स्लो रहता है, बट बोथ आर जनरली फास्टर एंड मोर कंसिस्टेंट प्रेडिक्टेबल देन ओरल, लेकिन दोनों के दोनों ओरल से ज्यादा तेज काम करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड मस्क्यूलर एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सेलरेट द ड्रग एब्जॉर्प्शन बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो। एप्लीकेशन ऑफ हीट, कई बार होता है ना कि दवा देखी होगी कि सूज गया है या दवा लगी है, तो डॉक्टर कहता है रगड़ लो ना छोटे बच्चे, रगड़ लो, भागो या चल लो, हम कहते हैं दो चार कदम चल लो, तो दो चार कदम चलने से क्या है, मसल्स मूव करती हैं, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड का फ्लो बढ़ने की वजह से फटाफट ड्रग वहां से लेकर के ब्लड हमारे आगे चली जाती है। टॉपिकल साइड स्किन की इसकी बात करें, तो जैसे कि स्किन है, कॉर्निया है, हमारी आंख में डाला, म्यूकस मेम्ब्रेन है, जीभ में लगा लिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, अगेन सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन आफ्टर टॉपिकल एप्लीकेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। आखिरकार करना तो सेल मेम्ब्रेन को ही पार है, तो जितना अच्छा लिपिड सॉल्युबल होगा उतना अच्छा वो काम करेगा, उतना अच्छा एब्जॉर्ब हो जाएगा। बात क्लियर है। डोजेस फॉर्म में बात करें अगर, तो सबसे ज्यादा तेज कौन एब्जॉर्ब होगा, सॉल्यूशन, देन इमल्शन, देन सस्पेंशन, देन कैप्सूल, देन टैबलेट, देन कोटेड टैबलेट, देन एंट्री कोटेड टैबलेट, देन सस्टेन रिलीज टैबलेट। तो ये सीक्वेंस है कि किस टाइप की डोजेस फॉर्म किस ऑर्डर में एब्जॉर्ब होगी। तो सबसे फास्ट सॉल्यूशन होगा, आईएम इंजेक्शन की बात नहीं हो रही, वो तो सबसे फास्ट, उसको तो हटा ही दिया हमने, वो तो एब्जॉर्ब होने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ब्लड में आ गई ना वो, तो इसलिए हमने उसकी बात ही नहीं कर रहे, आईवी की बात क्यों नहीं कर रहे, वो तो सीधा ब्लड में आ गई। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, हमको ड्रग को ब्लड में पहुंचाना है, पर आईवी तो सीधा ब्लड में ही है। प्रोडक्ट एज एंड स्टोरेज कंडीशन है ना, कई बार रखा प्रोडक्ट हो गया, लास्ट एक महीना बचा एक्सपायर होने के लिए, रखना था 8 डिग्री टेम्परेचर पे, रखा हुआ है बाहर खुले में 40 डिग्री टेम्परेचर में, तो ड्रग का कुछ जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है, उसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन पे क्या आता है, फर्क आता है। तो वही चीज बोल रहा है, एजिंग, अगर ड्रग एकदम किनारे पे एक्सपायर होने की कंडीशन में आ रहा है, एकदम पास आ गया, एंड अल्टरेशन इन स्टोरेज कंडीशन, रखना था 5 डिग्री 8 डिग्री पे, रखा हुआ है 25 डिग्री 30 डिग्री पर, चेंज द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग विच एडवर्स अफेक्ट इन अफेक्ट इट्स बायो अवेलेबिलिटी, विच एडवर्सली अफेक्ट इट्स बायो अवेलेबिलिटी, मतलब कि क्या है,
वही चीज आ गई कि इससे सबसे ज्यादा फर्क किससे पड़ता है, ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी पे फर्क पड़ता है स्टोरेज कंडीशन की वजह से। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर की बात कर लें तो जैसे एज है, इन्फेंट की बात करें जो बच्चा है उसमें गैस्ट्रिक पीएच बहुत ज्यादा बनता है, इंटेस्टाइन छोटा होता है सरफेस एरिया कम होगा, एंड ब्लड फ्लो टू द जीआईटी इज लेस, पेट के पास जो होता है आसपास उसका ब्लड का फ्लो थोड़ा कम रहता है, इसकी वजह से क्या है उसके एब्जॉर्प्शन पैटर्न में चेंजेस होंगे। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, ठीक है। एल्डरली पेशेंट, जो पेशेंट बूढ़े हैं, एल्डरली पेशेंट मतलब जो पेशेंट बूढ़े हैं, ठीक है, उनमें क्या रहेगा, उनका जो गैस्ट्रिक एम्प्टी है, पेट सही से खाली नहीं होता है, डिक्रीज इंटेस्टाइनल सरफेस, उनके भी आंतें थोड़ी सी सिकुड़ चुकी होती हैं, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू जीआईटी, उनका भी जीआईटी में ब्लड फ्लो कम हो चुका होता है, हायर इंसिडेंस ऑफ एक्लोरहाइड्रिया मतलब कि उनकी बॉडी में पेट के अंदर एचसीएल जो होता है वो कम बनता है, डेट इज कॉल्ड एक्लोरहाइड्रिया, जब एचसीएल पेट के अंदर कम बने, एंड बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन में। डिजीज कंडीशन की बात करें जैसे कि, तो डिजीज कंडीशन की वजह से होता क्या है, ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी पे फर्क पड़ता है ना, तो एज इट अफेक्ट द इंटेस्टाइनल ट्रांजिट, क्यों, क्योंकि जो इंटेस्टाइन में कितनी देर के लिए दवा रहेगी, बायो अवेलेबिलिटी पे फर्क क्यों पड़ जाता है, क्योंकि डिजीज होने की वजह से इंटेस्टाइनल ट्रांजिट पे क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। अब इंटेस्टाइनल ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, दवा कितनी देर कहां रहेगी, इंटेस्टाइन में रहने वाली है। एग्जाम्पल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज, अब पेट की बीमारी है तो बायोलिटी में फर्क पड़ेगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ब्लड की पंपिंग सही से नहीं हो रही है, हेपेटिक डिजीज, मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा, फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म था वो गड़बड़ा गया, तो इस तरीके से ये सारी चीजें क्या है, ड्रग के एब्जॉर्प्शन पर फर्क डालती है। तो ये लेक्चर किसके ऊपर था, ड्रग एब्जॉर्प्शन के ऊपर, यही सारे टॉपिक है जो तुमको यहां पढ़ने हैं, ठीक है। और फिर बता रहा हूं टॉपिक को पहले हेडिंग वाइज एक फ्लो चार्ट बनाओगे खुद से, और फिर देखोगे अच्छा ये सारी हेडिंग्स हैं, फिर उसके हेडिंग को अंदर पढ़ने की कोशिश करोगे, उससे क्या होगा तुमको लर्न ये जल्दी से हो जाएंगी, सारी हेडिंग भी लर्न हो जाएंगी और सारी प्रॉपर्टी भी जल्दी से लर्न हो जाएंगी, क्लियर है, ठीक है। तो करना क्या है, रिवाइज करना है और इसका एक फ्लो चार्ट बना के इसको पढ़ना है और पढ़ते रहना है और रिवाइज करना है, क्लियर, ऑल द बेस्ट।